स्मृति ईरानी ने संवारा कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार, विभाग बदले जाने के मुद्दे पर कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वेंकैया नायडू ने संभाला सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम, कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म होंगे काम के मुख्य क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संभाला कानून मंत्रालय का कार्यभार, कहा सक्रियता से करूंगा काम, न्यायपालिका का करता हूं सम्मान। अनंत कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर संभाला कार्यभार, जीएसटी बिल पास कराना होगी प्राथमिकता। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने संभाला कार्यभार, पहली बार मंत्री बने एमजे अकबर। नए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल संभालेंगे मंत्रालय का कार्यभार, आज स्मृति ईरानी ने घर जाकर उनसे की मुलाकात, आज तक से कहा सबको अच्छी शिक्षा देने पर रहेगा जोर। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वित्त मंत्रालय में संभाला अपना कार्यभार, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। रेल राज्य मंत्री राजेश गोहन ने संभाला राज्य कार्यभार, रेल भवन में अधिकारियों से की मुलाकात। विजय गोयल के मंत्री बनने पर घर पर बधाई देने वालों का लगा दाता, गोयल ने उम्मीदों पर खरा उतरने की जताई उम्मीद। कैबिनेट विस्तार को लेकर शिवसेना में जोरदार नाराजगी, संजय राउत बोले ये एनडीए का नहीं बीजेपी का विस्तार। पानी के मीटर घोटालों में एसीबी ने शीला दीक्षित पर जारी किया नोटिस, जांच में शामिल होने को कहा। शीला दीक्षित ने कहा उन्हें नहीं मिला है एसीबी का नोटिस, जब नोटिस मिलेगा तब देखेंगी क्या जवाब देना है। टैंकर घोटाले मामले में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा शीला दीक्षित को सहूलियत दे रही है एसीबी। एसीबी चीफ मुकेश मीणा ने कपिल मिश्रा पर लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप, कहा गलत बयान न दे कपिल मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। बीजेपी ने केजरीवाल की फोटो वाले 400 करोड़ के नोट को लेकर किया प्रदर्शन, आम आदमी घोटाला बैंक के नाम से जारी किया नोट। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तक संघर्ष जारी रहेगा, बीजेपी ने उल्टे केजरीवाल पर शीला दीक्षित को बचाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान के खिलाफ केस दर्ज, पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना पवित्र ग्रंथ से करने पर हुई एफआईआर। खेतान के खिलाफ अमृतसर में दर्ज किया गया केस, यूथ मैनिफेस्टो की बातों को पवित्र ग्रंथ जैसा बताया था। विवाद बढ़ने पर आशीष खेतान और पार्टी ने मांगी माफी, संजय सिंह बोले माफी मांगने के बाद खत्म हो जाना चाहिए विवाद। जयपुर में बेला कासा नाम के टू स्टार होटल में फॉल सीलिंग गिरने से हादसे में 3 की मौत, 29 घायल। इटावा में हाई टेंशन तार खींचते समय तार से झूल रहे 3 बच्चे हुए घायल, 10 साल के एक बच्चे की हुई मौत, 2 घायल। कोटा के उद्योग नगर में नर्सिंग के छात्र ने ट्रेन के सामने खुद कर की खुदकुशी, कोटा के नेता गांव का रहने वाला था सौरभ। गोपालगंज में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, एक कट्टा जमीन मांग रहे थे ससुराल वाले, 5 के खिलाफ केस दर्ज। ऊना में एक डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अपनी डॉक्टर पत्नी को गोली मारकर भी खुद की खुदकुशी, पत्नी की हालत गंभीर। आतंकी हमले के इनपुट के मद्देनजर पठानकोट एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। पीस टीवी के संस्थापक और इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक की बढ़ सकती है मुश्किल, ढाका से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध ने कही थी उपदेशों से प्रभावित होने की बात। जाकिर के भाषणों पर गृह मंत्रालय रखेगा नजर, रिजिजू ने कहा आतंक के खिलाफ ठोस रणनीति पर काम। कोलकाता में महिला यात्री से छेड़खानी के मामले में उबर कैब चालक गिरफ्तार, विधाननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था केस। दिल्ली एनसीआर में 1500 महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फोन पर एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए करता था मैसेज। दिल्ली में बेखौफ अपराधियों की मनमानी, नरेला में दाल व्यापारी पर फायरिंग, 1 करोड़ की मांग रहे थे फिरंगदारी। दिल्ली के रोहिणी में सदर सरे बाजार 4 बदमाशों ने ग्राहकों को ग्राहक बनकर की लूटपाट, कैश और करोड़ों के जेवरात लेकर भागे। बदमाशों ने दुकानदारों की लाइसेंसी पिस्तौल भी लूट ली, डराने के लिए करते रहे फायरिंग। यूपी के जौनपुर में सड़कों पर दौड़ रही है खून चूसने वाली एम्बुलेंस, ब्लड माफिया का आतंक। 14 साल के बच्चे का खून निकालकर बेहोश छोड़ गए बदमाश, रेलवे पुलिस की मदद से घर पहुंचा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में सोती हुई पत्नी की गला दबाकर हत्या, भाग गया पति, शव के साथ सो रहा था बच्चा। मध्य प्रदेश के कटनी में परिवार पर जानलेवा हमला, पिता पर
पिता और दो बच्चों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। हमलावरों की नजर से बच गई 6 साल की बच्ची, बच्ची ने सुबह गांव वालों को दी जानकारी, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। फरीदाबाद में 10 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पड़ोस के रहने वाले दो लड़के आरोपी, बॉल लेने के बहाने घुसे थे घर में। हावड़ा में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटा, हादसे में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक छात्र ने की खुदकुशी, भागलपुर का रहने वाला था निखिल। मेरठ में पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे को सड़क पर मारी गई गोली, बचाने आए होमगार्ड के जवान के पैर में लगी गोली। इंस्पेक्टर का बेटा अंकुर मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का छात्र, घर के लिए सामान खरीदने निकला था। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के बेटे पर एसीबी का शिकंजा, 3,75,000 की नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार। बड़ोदरा में तहसीलदार के पद पर तैनात है डीजी वंजारा के बेटे अर्जुन वंजारा, जमीन लेन देन के मामले में किसान से मांगी थी 75,000 की रिश्वत। मशहूर सिंगर मीका सिंह घिरे नए विवाद में, मॉडल कम फैशन डिजाइनर लगाया छेड़खानी का आरोप। फैशन डिजाइनर का आरोप, बकाया मांगने पर मीका सिंह ने की बदसलूकी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। मीका ने आरोपों को गलत बताया, 5 करोड़ रुपए की कर रही थी डिमांड। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सिलेंडर में धमाका, हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत। बिहार के समस्तीपुर में कंटेनर ने ऑटो को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद घटना। श्रीनगर के में ईद की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों से झड़प, उपद्रवियों ने लहराए पाकिस्तानी झंडे। एहतियातन सभी प्रमुख अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस के गोले। श्रीनगर में अस्थायी कर्मचारियों ने किया पर्यटन विभाग के बाहर प्रदर्शन, स्थायी किए जाने की मांग, पुलिस से हुई झड़प। ग्वालियर में थाने के हवालात की दीवार तोड़कर 5 बदमाश फरार, एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। लखीमपुर खीरी के पलियाखला में कूड़ेदान को लेकर विवाद में फायरिंग में 4 घायल, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर के दिल सिहरा इलाके में एक सरपंच की तुगलकी फरमान, एक शख्स को दी जमीन पर थूक के चाटने की सजा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पीड़ित ने डीएम और एसपी से लगाई गुहार, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। एमपी के जबलपुर में एक युवक ने तिलवारा पुल पर नर्मदा में लगाई छलांग, युवक के सुसाइड के लिए नदी में कूदने का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में 8वीं के छात्र की लाश मिली, सीवर से मिली लाश, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई में छत से फेंके गए कुत्ते के वेटनरी अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक एमबीबीएस छात्र ने फेंका था छत से। सोनीपत की कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज। हरिद्वार में गंगा में स्टंट दिखाने की कोशिश के दौरान युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया युवक, नदी में छलांग लगाने के बाद नहीं आ सका बाहर। हाजीपुर के जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, बिना ऑक्सीजन वाला सिलेंडर पेशेंट को लगाया, पेशेंट की मौत के बाद हंगामा। बिहार के मधेपुर में अस्पताल में नवजात को छोड़कर फरार हुई मां, बच्ची का एक पैर भी है खराब। हैदराबाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद गई 13 लोगों की आंखों की रोशनी, फिर से ऑपरेशन कर रोशनी बचाने की हो रही है कोशिश। अमृतसर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास के टीचरों का हंगामा, सीएम हाउस के सामने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन। नैताल के नारायण नगर गांव में घुस रहा है बारिश का पानी और मलबा, प्रशासन ने लोगों से घरों को खाली करने को कहा। एक बार फिर विवादों के घेरे में हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हुई गायब। बीकानेर में चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के टोंक में 2 महिलाओं में प्यार और शादी के बाद अब तकरार का मामला आया सामने, पत्नी बनी महिला के भाई उसे ले गए अपने साथ, पति अब काट रहा है थानों के चक्कर। लंदन की टेम्स नदी की तरह गोमती के रिवर फ्रंट को सुंदर बनाने का प्रोजेक्ट, करीब 3,000 करोड़ के खर्च का अनुमान। यूपी के देवरिया में बाढ़ और कटान को रोकने के लिए प्रशासन की कोशिश पर सवाल, बोरे में रिवर बेड मटेरियल की जगह मिट्टी। यूपी के अमरोहा में बारिश के बीच बह गया पंटून पुल, 20 गांवों से कटा संपर्क। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पुल का कुछ हिस्सा धंसा, डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। कैमूर जिले के सुवरा नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा था पानी, नदी का जलस्तर बढ़ा। अल्मोड़ा में कॉबेट पार्क के समीप टाइगर का शव मिलने से हड़कंप, आपसी संघर्ष में बाघ की मौत का शक। फिरोजाबाद में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, अस्पताल में भी भरा पानी।
मथुरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर शूटिंग के दौरान मालगाड़ी के चार डब्बे पटरी से उतरे, आला अफसरों ने शुरू की जांच। यूपी में बिना किताबों के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, सरकार की तरफ से मिलने वाली किताब की अब तक नहीं हुई है छपाई। इलाहाबाद में एक हिंदू छात्र ने अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ ताश के पत्तों से बनाई पवित्र मक्का की अनुकृति, 2100 ताश के पत्तों का इस्तेमाल। अहमदाबाद में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद। पुरी में निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बलभद्र और सुभद्रा के लिए निकलती है सवारी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ की पूजा, पूरे विधि विधान से की पूजा। वडोदरा में रोबो कार पर निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, महात्मा गांधी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था आयोजन। देश के कई शहरों में आज ही मनाई जा रही है ईद, श्रीनगर और केरल में आज ही अदा की गई ईद की नमाज, दिल्ली में कल मनाई जाएगी। मुंबई से वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना हुई टीम इंडिया, दौरे में भारतीय टीम खेलेगी चार टेस्ट मैच। स्पेन से भारत लौटी भारतीय हॉकी टीम, कप्तान सरदार सिंह ने कहा दौरे में रियो ओलंपिक के लिए हुई अच्छी तैयारी। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को टैक्स चोरी के मामले में 21 महीने की सजा, स्पेनिश कोर्ट ने 20 लाख यूरो जुर्माना भी लगाया। रूस के अनस्तासिया को हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल पहुंची सरीना, वेस्नीना से होगा अंतिम चार में मुकाबला। हालेब को हराकर जर्मनी की कर्बर भी विंबलडन के अंतिम चार में, सेमीफाइनल में वीनस विलियम से होगी भिड़ंत। टर्की में सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 6 लोगों की मौत। ढाका हमले में मारे गए 9 इटली नागरिकों का शव पहुंचा रोम, परिवार के साथ राष्ट्रपति भी मौजूद। आईएस ने बांग्लादेश और आतंकी हमलों की दी धमकी, वीडियो जारी कर कहा गया कि ढाका जैसे और हमलों के लिए तैयार है। आतंक से जूझते सीरिया के में ईद की रौनक, बाजारों में बड़ी हलचल। अमेरिका की आजादी की सालगिरह के कार्यक्रम में आखिरी में ओबामा ने दिया सरप्राइज, बेटी के को मंच से दी जन्मदिन की बधाई। ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान की फिल्म सुल्तान, देशभर में 4500 स्क्रीन में दिखाई जा रही है सुल्तान। दर्शकों को पसंद आ रही सुल्तान फिल्म का मैसेज भी लोगों को भा रहा है। अकीरा के बाद अगली फिल्म की शूटिंग में जुटी सोनाक्षी सिन्हा, पाकिस्तानी लेखिका की कहानी पर आधारित होगी फिल्म नूर। बॉक्सिंग पर आधारित फिल्म बनाने की तैयारी में अनुराग कश्यप, फिल्म का नाम हो सकता है मुक्केबाज। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर शाहरुख की सलाह, घरेलू पार्टी के दौरान करण ने दिखाई थी फिल्म की कुछ झलकियां।